हेलो ट्रेडर्स, वेलकम ट्रेंड एंड स्टॉक्स। देखिए, आपको पता है जोमेटो का जो आईपीओ है वो 38.25 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। इतना जबरदस्त बम्पर ओपनिंग इसके आईपीओ को मिली है जो बेसिकली एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा आगे है। देखिए, जोमेटो को इतनी जबरदस्त बम्पर ओपनिंग मिलने का एक कारण है कि जोमेटो की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए आज के टाइम में किसी से भी आप पूछेंगे कि जोमेटो क्या है तो वो आपको सीधे सीधे बताएगा कि एक फूड एग्रीगेटर है एंड जितने भी मेट्रो सिटीज हैं वहां पर इनका नेटवर्क फैला हुआ है। बहुत अच्छा बिजनेस इन्होंने करके दिखाया है पिछले 1.5 साल के अंदर, जब पूरा कोरोना पैंडेमिक का टाइम था। तो इसलिए देखिए, यहां पर इतना जबरदस्त ओपनिंग इनको मिली है। हाउएवर, ये एक स्टार्टअप है, एक टेक स्टार्टअप है। हिंदुस्तान में जितने भी टेक स्टार्टअप्स हैं अभी तक सब लॉस में चल रहे हैं, किसी के पास प्रॉफिट नहीं है, बावजूद इसके इनको इतनी बम्पर ओपनिंग मिली है इन्होंने जो मार्केट से फंड रेस किया है। इसके ऊपर हम लोग कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको देखिए यहां पर बजाज फाइनेंस के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं टेक्निकली एंड कुछ न्यूज बेस जो यहां पर बहुत बड़े टारगेट्स बजाज फाइनेंस के अंदर आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। क्यों मैंने जोमेटो की न्यूज दिखाई है, उसका भी एक कारण है। देखिए, यहां पर एक और कंपनी की मैं बात करने जा रहा हूं जो है मोबीक्विक, एंड मोबीक्विक एक ऐसी कंपनी है जो पेटीएम की तरीके से काम काज करती है। बजाज फाइनेंस का इसके अंदर तकरीबन 14% का स्टेक है, 14% का स्टेक है मोबीक्विक में बजाज फाइनेंस का, जिसकी वजह से यहां पर काफी अच्छे कयास लगाए जा रहे हैं कि जब भी मोबीक्विक का आईपीओ लॉन्च होगा, हाउएवर उसको शायद पेटीएम की जितनी तो बेसिकली सब्सक्रिप्शन शायद ना हो, लेकिन बजाज फाइनेंस भी उस आईपीओ के अंदर ओएफएस के जरिए अपने स्टेक को कम करने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें, 1900 करोड़ का बेसिकली यहां पर आईपीओ है, जिसमें से तकरीबन 1500 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, जबकि 400 करोड़ के आसपास का ओएफएस के जरिए प्रोमोटर्स जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स जो है वो अपने स्टेक को सेल करेंगे। तो बजाज फाइनेंस के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है कि यहां पर बजाज फाइनेंस के पास में काफी अच्छा पैसा आ सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर, जब भी ये आईपीओ लॉन्च हो जाएगा। एक सेकंड और न्यूज आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं कि देखिए, बजाज फाइनेंस के Q1 रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिसके अंदर एस्टिमेट है कि 92.5% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर इनको नेट प्रॉफिट के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है, एमके रिसर्च का ये कहना है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी 17% इंक्रीज करने का अनुमान है वाई ऑन वाई के बेसिस पर। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पीपीपी यानी के प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट जो है उसके अंदर भी तकरीबन 11.5% की तेजी का अनुमान यहां पर एमके रिसर्च लगा के चल रही है। तो ऑल ओवर इसके लिए इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव इवेंट्स है, जिसकी वजह से ये जो प्राइस है अभी स्टिल जो प्राइस है वो अच्छे खासे ऊपर की ट्रैजेक्टरी में ड्राइव कर सकता है। इसलिए इस स्टॉक के अंदर बहुत अच्छे मौके मिलेंगे आपको पैसा कमाने के। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं देखिए स्टैट्स के ऊपर, कल कैसे स्टैट्स थे, और फिर उसके बाद हम लोग टेक्निकली देखने की कोशिश करेंगे बजाज फाइनेंस में कहां तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट फ्लैट से ही यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है, 6125 क्लोजिंग है। ज्यादा कुछ यहां पर अच्छा प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिला है। 6,342.80 रुपए का 52 वीक हाई है 6 जुलाई 2021 का, यानी कि ठीक लगभग 2 हफ्ते पहले का। 3,000 रुपए का लेवल था इसका 24 सितंबर 2020 का, जो 52 वीक लो है, और वहां से तकरीबन ये डबल हो चुका है, डबल से भी ज्यादा का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है पिछले कुछ महीनों के अंदर। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन आप देखिए, तकरीबन 30% यहां पर एक अच्छा खासा अमाउंट डिलीवरी उठाई गई है। एस्टिमेट है कि शायद 20 जुलाई को इनके Q1 रिजल्ट्स आएंगे, अप्रैल मई जून के, जो यहां पर बहुत पॉजिटिविटी भरते हुए दिखाई दे सकते हैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक में। अब फाइनली देखिए, हम लोग आते हैं बजाज फाइनेंस के डेली चार्ट के ऊपर। यहां पर आपको मैं एक चीज इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता हूं कि इसके स्टॉक में बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेशन का लेवल है। 6,000 रुपीज की रेंज है तकरीबन नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो 6,300 रुपीज की रेंज निकल के आ रही है, और इस कंसोलिडेशन को ये बहुत अच्छी तरीके से कंटेन कर रहा है, यानी कि इस रेंज के नीचे नहीं निकल के जा रहा है। अब यहां पर जो पॉजिटिव न्यूज है, उससे पहले कि इनडिसाइसिवनेस बनती हुई दिखाई दे रही है, पिछले कई दिनों से यहां पर डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है, यानी कि बायर्स ना तो इसको ऊपर की तरफ ले जा पा रहे हैं एंड सेलर्स ना इसको नीचे की तरफ ले जा पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इवेंट्स को जोड़ के देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक का ब्रेकआउट आ सकता है एंड एक हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन जो इस स्टॉक ने कर रखी है वो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए जो इस
स्टॉक के लिए फिलहाल यहां से निकल के आ रहा है जो बेसिकली टारगेट हो सकता है वो तकरीबन 6500 रुपीस तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में ही। मैं समझता हूं जुलाई सीरीज के अंदर आपको ये टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। 6500 रुपए के टारगेट्स हैं, करंट मार्केट प्राइस है 6130 रुपए का। अगर देखिए आप बेसिकली बजाज फाइनेंस के अंदर इन लेवल से पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 6500 रुपीस तक के टारगेट के लिए आपको यहां पर रुकना चाहिए एंड स्टॉप लॉस जो होगा इस रेंज का लोएस्ट पॉइंट होगा दैट विल बी 6000 रुपीस। तो 6000 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 6500 रुपए तक के टारगेट आपको इसके अंदर 29 जुलाई की सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस है 6130 रुपए। एक इंपॉर्टेंट और चीज बता रहा हूं, बजाज फाइनेंस के अंदर ज्यादातर जो ग्रिप होती है वो बुल्स की होती है, इसलिए कभी भी इसके अंदर देखिए अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं तो आप इसके अंदर शॉर्ट सेल करके ना चलें। एफ एंड ओ में भी चल रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से सोच समझ के इसके अंदर पोजीशंस बनाएं क्योंकि ये बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए गिरावट दिखाता है, उसके बाद में इस स्टॉक के अंदर पिछले 1.5 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन है एंड बहुत पॉजिटिव एनबीएफसी की तरीके से कामकाज कर रहा है, इसलिए इसके अंदर नेगेटिविटी के चांसेस बहुत कम है। तो कभी भी किसी भी दौर के अंदर अगर शॉर्ट सेल करना हो तो इस स्टॉक को मत कीजिएगा, किसी और स्टॉक के अंदर अपॉर्चुनिटी देखिएगा। कैश मार्केट में आप इसको बिल्कुल लॉन्ग करके चले, इस तरीके से शॉर्ट टर्म में आप इसके अंदर टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, काफी अच्छे प्रॉफिट्स इसके अंदर इवेंट बेस्ड आपको आते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो ऑल ओवर ये व्यू है मेरा बजाज फाइनेंस के ऊपर। इस वीडियो को मैं कर रहा हूं यहीं पर ही वाइंड अप। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बराबर में दिया बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में अगले स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।